जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे जैसे कि हम। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेहंदी रस्म में सभी लोग 12:30 बजे रात तक झूमते रहे और दुल्हन रानी भी झूमती रही, तो दुल्हन रानी के ना अच्छे से मेहंदी नहीं लग पाई थी। तो देख सकते हैं, अब आराम से सबको खाना खिलाने के बाद हम लोग भी फ्री हो गए थे और बहू भी फ्री हो गई थी। परी सभी लोग जो अपने अपने काम में लगे हुए थे, उन लोगों की ड्यूटी पूरी हो गई थी। इसके बाद हम लोग फ्री हो करके मेहंदी लगवाना शुरू किए और ये टाइम ना 2:30-3 बज रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लेते हैं कि दुल्हन रानी के कई बजे तक मेहंदी लगी है और एक हाथ में है दूल्हे राजा और एक हाथ में है दुल्हन रानी। तो देख सकते हैं, और सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतनी खुशियाँ होती ना कि हम लोगों की आँखों की नींदें उड़ी हुई हैं। इस समय बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हमने भी एक हाथ में मेहंदी लगा लिया। कुछ लोग सो भी रहे हैं, आगे पीछे सब सो रहे हैं, इसीलिए हम बोल नहीं रहे। हमने कहा वॉइस शो और करेंगे और मॉर्निंग के 5 बज गए हैं और अभी भी हमारी आंखें अच्छे से नहीं खुल रही। देख सकते हैं कितनी थकावट हो रही है और काम वाली भी आ गई हैं, तो ये नीचे पोछा लगा रही हैं। हम चलते हैं ऊपर छत में और हम लोगों का ऊपर नीचे शुरू हो गया। भाभी जी भी आ रही हैं और नीचे हम नहीं आवाज़ कर रहे थे क्योंकि सब लोग सो रहे थे, अब जगे हैं। सो गाइस, ये रात की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है और कितना भी कम मतलब उन लोगों को बताओ, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोगों का खाना बनता है ना, तो डेली कुछ ना कुछ खाना बचता है। तो ये सब बर्तन हम बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का डेली का काम है। काम करने के बाद हमने नहा लिया, भगवान जी की पूजा भी हो गई और रात में जो मीठा बना है ना बारातियों के लिए, बिट्टू के पैकिंग के लिए, तो यहाँ पर हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर मीठा भी बन करके तैयार हो गया था बारातियों के लिए और बिट्टू के ससुराल जो पैकिंग हो करके जाएगा, तो यहाँ पर हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं। सद्गुरु भगवान को, भोले बाबा को, गौरा बाबा को, और गौरा बाबा हम नहीं जा पाए तो यहीं भोग लगा देते हैं। ना धीरे धीरे करके जग गए। अब इन लोगों को भी नाश्ता तैयार कर देते हैं। तैयार हमको क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को ना लगा करके देना है। और 2-3 रूम यहाँ पर ऐसे ही है किचन के बगल से, जहाँ पर पूरा दिन मतलब खाना पीना सब होता है। दीदी भाभी सभी लोग आइए आइए, ऐसे थोड़ी नाश्ता मिलेगा, ऊपर नीचे थोड़ी करना पड़ेगा तभी नाश्ता मिलेगा। क्यों भाभी, ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज करिए तो ना भाभी, इसी एक्सरसाइज भी हो जाती है थोड़ी। यहाँ का भी ले भाभी, चाय छानिए। आज ना भाभी की ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी, दीदी की ड्यूटी रहेगी दोपहर में खाना निकालने में, भाभी की ड्यूटी रहेगी नाश्ता निकालने में। आज ना सुबह सुबह से भाभी पकड़ में आ गई हूँ और हम ही ने दिमाग दिया था कि सुबह के नाश्ते में क्या बनना है। वैसे भी ना रोज़ रोज़ मीठा और नमकीन, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पास्ता मैगी बनाना पड़ता था फिर से हम लोगों को, और ये लोग ना खाना बनाने लगते थे तो हम ही लोगों को नाश्ता बनाना पड़ता था। तो हम जैसे ही ऊपर छत में आए ना, हमने कहा भैया जी आज आप नाश्ते में ऐसा रखिए कि हम लोगों को ना बनाना पड़े मैगी मैक्रोनी पास्ता, ऐसा ना बनाना पड़े। और देख सकते हैं देख ले कितनी अच्छी पकौड़ी बनाए, आलू की पकौड़ियाँ हैं। क्यों भैया, प्याज भी उसमें डाले हैं? नहीं डाले, क्योंकि प्याज पड़ जाती है ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे बहुत परेशान करते। आप लोग भी आइए, हमारी भाभी आप लोगों को पकौड़ी खिला रही है। तो सबके लिए भाभी लगाइए प्लेटों में अलग अलग। दो दो कैमरे ऑन है, उधर रुचि का ऑन है, इधर हमारा ऑन है और अभी तक ना प्राची नहीं आई। इस बार ना वो बहुत मिस कर रही है क्योंकि छोटा बाबू है ना, तो छोटे बाबू में और घर में भी मतलब भाभी बेचारी अकेले पड़ जाती है, छोटी वाली भाभी उसकी आ जाती है तो वो सब अपना यहाँ का पूरा काम धाम देखती है। लेकिन भाभी से कल मिल करके ना बहुत खुशी हुई और इस बार ना बेचारी 4-5 दिन तो वहाँ जानकी कुंड में ही थी इस वजह से, और अब प्राची आ गए तो दो दो बच्चों को संभालना वो भी करती है और प्राची भी करती है, इसीलिए वो नहीं यहाँ पे आ पाती। और भाभी प्रीति क्यों नहीं आती सुबह से, उसके कौन सा छोटा सा बच्चा है? मूर्ति बना के पूजा का रेस्टोर है हमारे।
तो ना सब लोग ना हम लोग टाइम टाइम से मिल पाते हैं एक दूसरे से। जब कुछ फंक्शन हो मतलब घर में जैसे पूजा पाठ होने लगी तो सब लोग आ जाएंगे, कुछ नाच गाना हो रहा है तो सब लोग आ जाएंगे, जब नाश्ता का खाना का टाइम रहेगा तो सब लोग आ जाएंगे। इस तरह करके सब लोगों से मिलना मिलाना हो पाता है। कुछ लोग जो गेस्ट हाउस है जहाँ से मेहंदी फंक्शन और हल्दी फंक्शन हुआ वो अपना ही है, बड़े वाले भैया जो विधायक थे ना वही बनवा करके गए हैं। तो छोटे मोटे फंक्शन तो अपने यहाँ से ही होते रहते हैं। वही आज भाभी बोल रहे हैं यानी बिट्टू की मम्मी कि ढोलक वाले गाने नहीं हुए हैं और ढोलक में जो तुम लोग नाच गाना करते वो नहीं कुछ हुआ। तो हम रुचि डिस्कस कर रहे थे कि चलो रुचि आज किया जाए दोपहर में, देखते हैं। वैसे भी जब ये नाश्ते की बात ना भैया लोग कहते खाना निकालो ये करो ना करो तो हम लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। आज ना आप लोगों को नाश्ते में फंसा दिए, वैसे भी ना इतना लेट हो जाता था नाश्ता 10:30-11 बजे, लेकिन आज ना हम लोगों ने सोच लिया था कि 9:30 बजे तक सबको नाश्ता हम लोगों को करवा देना है, क्योंकि ये भी फ्री हो जाएंगे फिर ये लोग खाना बनाएंगे। तो आज बहुत ही जल्दी जल्दी हमने पूजा पाठ सब किया है और सब बच्चे आ गए। तो मैं आज श्रेया आओ सब लोग ये देखिए श्रेया आप लोगों से क्या कर रहे जय माता दी कर रही गाइस। और यहाँ पर सोम्य भी आ रहे। अच्छा वो श्रेया थी सोम्य, हम भी कभी कभी ना छोटे छोटे इतने बच्चे हैं अपने घर में कि हम लोग ना नहीं भूलते नहीं है बट होता है नाम भूल जाते हैं। तो हम छानते हैं चाय और इधर हमारी चाय भी पक गई क्योंकि पूजा करने के बाद ना हमको तुरंत चाय चाहिए। और आज ना लखनऊ से सासू माँ भी आ रहे हैं लेकिन वो शाम तक ही आएंगे, तो आप लोगों को ना अगले ब्लॉक में ही देखने को मिलेगा शादी वाले में। इसलिए आप बुआ लोगों को भी सब लोगों को ऊपर ही बुला, नीचे के चक्कर में होता है ना कुछ खाते हैं बच्चे कुछ फेंकते हैं, तो अपने सामने कम से कम नाश्ता करवा लो ना तो ठीक ही रहता है। और हमारे केस भी सूखते जा रहे हैं, इधर धूप थोड़ी थोड़ी निकल आई है। वैसे मौसम ना यहाँ का काफी अच्छा है तो भाभी जी बेचारी हमारी बैठ रही है नाश्ते के लिए। सो गाइज पहले आलू की ही पकौड़ी बनी थी लेकिन भैया लोगों को कहना कि उन लोगों को प्याज की पकौड़ी खाना है तो यहाँ पर हम प्याज छील लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए और सब प्याज आलू की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं। तो होता है ना हमको अच्छा भी लगता है, अपने ससुराल में हो या मायके में हो तो काम करना ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी बना लेते हैं और इसके बाद बुआ लोग भी सब लोग आ गई हैं और हमने सबको पकौड़ी का नाश्ता करवा दिया। और भैया लोग ना खाना की तैयारी कर रहे हैं, खाना में ना मूँग की दाल चावल और कद्दू की सब्जी। तो हम भी थोड़ा सा बैठ करके बताते जा रहे हैं और देख सकते हैं पूरा किचन भी साफ़ सुथरा हो गया और बुआ जी लोग ना कि रूम में सब लोग नाश्ता कर रहे हैं तो आप लोगों से भी सबसे मिलवा रहे हैं। इधर ना सब्जी देखिए कट रही है, कद्दू की सब्जी लोग सब काट रहे हैं। ये देखिए हमारी प्यारी जी बुआ जी बड़े नाश्ता कर रहे हैं। बुआ जी पकौड़ी कैसी है? और हमारी ईशा भाभी सभी लोग आ गई उनको रेडी होकर के, नीतू भाभी किनारे बैठी और हमारी दीदी जी और इधर हमारी रजनी भाभी। और रजनी भाभी ने आज भोले बाबा की पूजा बहुत अच्छे से किया हमारे साथ पार्टी पूजन। हुआ आपके वहाँ की भाषा बहुत अच्छी लगती है, पार पार का मतलब क्या हुआ यानी अच्छा अच्छा खींचो। तो आप लोगों ने हमारी बुआ जी और सभी से आप लोग कमेंट में करते हो ना कि दी आप अपने पूरी फैमिली से मिलवाइए, तो देखिए जो जैसे सामने पड़ रहा हम सभी लोगों से आप लोगों से मिलवा रहे हैं। और वैसे भी ना नीचे नीचे ना हमारी भाभी जी यानी बिट्टू के सब ससुराल जाने वाला सामान सब पैक हो रहा, माठ लड्डू सब, तो वहाँ पर ना रुचि लगी हुई है वीडियो शूट करने में। तो यहाँ पर हमको अभी बच्चे आ करके बताए, हमने कहा कोई बात नहीं है मतलब तीनों के ब्लॉग चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अलग अलग दिखना चाहिए ना, एक ही साथ सभी लोग शूट करेंगे तो लोग देख देख के भी परेशान हो जाएंगे। हमने कहा हमारा काम धाम वाले ही ब्लॉग है तो यहाँ पर सबको देखें अच्छा ना। नहीं हम हम पहले भी खिला दिए हैं, पूरी एक थाली आप लोगों को खिलाए ना जब शुरू शुरू में निकली ना तभी खा ली। और हमने भी आज 2-3 खाया है और 3 बार हमने चाय पिया, चाय के बिना तो चलने वाला नहीं है। हमको पूरा दिन खाना मिले ना मिले बट चाय मिलती रहे तो भी चल रहे। नीचे भी आप लोगों से सबसे मिलवा रहे हैं।
सो गाइस जैसे ही हम नीचे आए तो देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू माठ सब पैक हो गया है और भैया सब लगे हुए हैं क्योंकि पूरा सामान इकट्ठा यहाँ से चला जाएगा गेस्ट हाउस, क्योंकि पूरी शादी ना गेस्ट हाउस से ही होना है और वहीं से बिट्टू की विदाई भी होगी। तो एक एक सामान सब पैक हो रहा है यहाँ पर, बहू और भाभी भैया सभी लोग लगे हुए हैं और इधर नाश्ता पानी भी सबका चल रहा है। गाइस ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग डालते रहिए। और प्राची भी आ गई है तो ये भी अपना गर्मा गर्म सब, हमने सभी को कॉल कर दिया था कि जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म यहाँ पकौड़ियाँ बन रही हैं तो आकर के खा लो। और सब अपने अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। उदयन भी खूब खेल रहे हैं यहाँ पर, बिना डेढ़ दो घंटे से यहाँ पर मौज मस्ती चल रही है। और आज ना उदयन अपने नानी के यहाँ ना बैयन बैयन हुए हैं तो प्राची को देख के तुरंत इसको नजर लगा दी है, कह रही है देखो देखो देखो, मम्मी पापा की ना बहुत जल्दी नजर लगती है। सबसे ज्यादा ना बड़ों से ज्यादा बच्चे ही परेशान होते हैं, कितना भी एसी हो फैन हो लेकिन भीड़ भाड़ है ना शादी में ना भी लोग ही परेशान ज्यादातर होते हैं ना। क्या बोलूं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भैया तुम इनको लेकर के जाओ आराम से सुलाओ इसको आराम से, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। इतना सारा डाल के क्या हुआ बेटू, क्या हुआ, आपको भी आना है? अच्छा हेलो करो, हेलो हेलो, क्यों माँ को इतना क्यों परेशान करते हो, क्यों परेशान करते हो मम्मा को? थोड़ी समय तक यहाँ भी रुक सकते हो ना नानी के यहाँ, क्या हुआ? जाओ इसको लेकर कब सुला दो थोड़ी समय के लिए, पियो पियो पियो। हम लोग ना ढोलक वाला गाना होगा, अगर ये सो जाए तो थोड़ी समय के लिए आ जाना, अभी सोचते हैं जल्दी अगर खाना पीना हो जाएगा तभी हो पाएगा। हम लोगों को ना जहाँ खाना बना तो खाना निकालो रोटी चुपड़ो थाली लगाओ इसी ये सब करते करते ना तो टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, ढाई तीन बज जाते हैं। क्या ये क्यों कर रहे हो बाबू, इसको ना कोई कहता है माँ को गया है, कोई कहता है पापा को गया है, तो ज़्यादातर ना बच्चों में यही होता है, सभी लोग ज़्यादातर यही ध्यान देते हैं कि बच्चा किस पे गया है। अरे किसी को भी गया होगा जल्दी से बड़ा हो, जबकि होता है मम्मी पापा को दोनों पे बच्चा जाता है ना, कि झलक ही है बुआ बोल रही है छोकरा को पानी पिलाओ, सभी के पास बैठ करके ना मौज मस्ती करते करते इतना हम लोगों को मतलब इतना अच्छा लगा। काम के साथ साथ ना थोड़ी समय तो हमको अभी नीचे जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आवाज़ें लग रही होंगी कि खाना बन गया कि नहीं बन गया, हमको कहती है मालकिन हो, मालकिन की तरह सब देख रेख कर सबको, नाश्ता खाना की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है, तो देखते हैं नीचे क्या कैसे। चलिए तो अब प्राची जा रही है बच्चे को सुलाएगी, क्योंकि ना उदयन बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी धूप है, तो हम कह रहे हैं जाओ इसको सुला करके आओ, थोड़ी देर बाद आ जाना, आओ किसी ना किसी को भेज देते, इसको ऐसे ना लेकर के जाओ। हाँ देखिए रुको, सोम्य श्रेया किसी को बुला रहे हैं कि तुम परेशान हो जाओगी। ये छोटी सी प्यारी सी दुल्हनिया आ गई, छोटी सी दुल्हनिया आ गई है, अब इस दुल्हनिया को मैं सुला भी दूं, नानी को थैंक यू बोल दो, तो नानी थैंक यू। धूप इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा कि बच्चों के लिए धूप और गर्मी बहुत ही ज्यादा धूप है कि बच्चों का ना हाल बेहाल हो रहा है, नानी को थैंक यू बोल दो, तो नानी थैंक यू। कोई बात नहीं है, हमको तो ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बुआ को बच्चे पसंद बहुत है ना, तो इसीलिए बाय बाय कर दो नानी को, नानी बाय बाय जाओ बेटू। ओके आ गए प्राची को, बिल्कुल पास में ही है प्राची का, और इधर प्रीति, प्रीति लोगों का इधर है, मतलब प्रीति का माँ का इधर है, और वही प्राची कह रही है कि बुआ थोड़ी सी आने जाने में परेशानी होती, काश इधर से दरवाज़ा होता ना तो कितना अच्छा रहता। और यहाँ ना बारातियों के लिए पूरी व्यवस्था हो रही है, रात में ना बाराती अपने ही गेस्ट हाउस में रुकेंगे, पूरे बाराती रात में अपने ही गेस्ट हाउस में रुकेंगे, तो यहाँ भी पूरी व्यवस्था हो रही है, जहाँ से यानी मेहंदी और हल्दी वाला फंक्शन हुआ था। और आज का ना मौसम में ना बहुत ही धूप है, बड़ी गर्मी है, हमको तो लगता है एक दो दिन बारिश ना हो तो ठीक ही है। मनु नहा लिया बेटा आपने? मनु आज हमसे गुस्सा है, कह रहे माँ आपसे बात नहीं करेंगे आज, इनको हमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, क्योंकि सुबह से ना किचन में ही लगे हुए थे, नाश्ता
बनाना खिलाना देना, अरे बनाना नहीं था इतना, मत निकालने में, सबको खिलाने में, ऊपर नीचे करने में। वही प्राची कह रही कि बुआ आपका चेहरा कैसे हो गया। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं है, चेहरा तो बाद में ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों को ना गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती है, और ऊपर नीचे आना जाना धूप में ना तो हालत ख़राब है। हमने कहा बाद में चेहरा सही हो जाएगा, मिट्टू की शादी में जितना मेहनत कर ले। वैसे भी भाभी बिचारी अकेले, आज तो हमने सिंदूर भी नहीं लगाया है। सुबह से समझ लीजिए अभी तक अपने चेहरे में हमने कुछ भी नहीं लगाया है, बस ऐसे ही भाग दौड़ में, जैसे पूजा किए हैं वैसे तुरंत ऊपर पहुँच गए हैं। तो मनु को थोड़ा मनाते हैं ना, मनु को देखते हैं, कुछ खिलाते पिलाते। वैसे तो पकौड़ी वगैरह ले लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना भाभी लोग लगा रहे हैं मेहंदी, और उधर हमारे दादू भैया बैठ कर के सब तैयारियाँ हो रही हैं, सब पैकिंग, मतलब वहाँ गेस्ट हाउस ले जाएंगे ना सामान, वही सब पैकिंग हो रही है। और बहू लोग अभी थोड़ी देर में लगाई भाभी की मेहंदी। ये ना मिट्टू की छोटी वाली मामी है, ये विदेश में रहती है, और खुद ही भाभी मतलब जॉब करती है। भाभी आप गाड़ी भी चला लेते हो ना, गाड़ी चल गाड़ी चला करके भाभी खुद कल चित्रकूट के दर्शन करने गई हुई थी। अब हम भी लगाते हैं मेहंदी, और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से चल रहा है, सुबह से नहीं कल से चल रहा है। तो ब्लॉग कैसा लगा, आज का ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, प्यार देते रहिएगा। ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, और आप लोगों से तो बता दिए ना कि दादू भी उधर बैठे हुए हैं, और सब